हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मिस्टर बगा किचन। और मैं हूँ सुमित। आज चलिए हम लोग बनाने जा रहे हैं स्प्रिंग रोल की शीट्स। इन शीट्स के साथ में आप काफ़ी कुछ बना सकते हो। आप अगर चाहो तो स्प्रिंग रोल बना सकते हो, अंडा रोल भी आप बना सकते हो, एग रोल जो आता है ना, या फ्रेंकी जो आता है, या कोई भी रोल जो होता है, या आप समोसा पट्टी भी आप बना सकते हो। मतलब आपको समोसा के लिए कुछ भी अलग से बेलने की ज़रूरत नहीं है, गूंथने की ज़रूरत नहीं है, इससे आप आराम से बना सकते हो। काफ़ी कुछ इस शीट के साथ में आप बना सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे एक बार बनाओगे और इसे फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो लगभग 20 से 25 दिन तक। ठीक है, तो आपको मैं सब कुछ सिखाऊंगा। सबसे पहले आपने एक बड़े से बाउल में एक कप मैदा लेना है। ये चाय वाले कप से मैं ले रहा हूँ, कम क्वांटिटी में बना रहा हूँ। एक कप मैंने कॉर्नफ्लोर भी ले लिया है, एक कप मैदा, एक कप कॉर्नफ्लोर चाय वाले कप से। ठीक है, इतने में हमारे 6 पीसेस बड़े साइज़ के बनेंगे। और 2 कप इसके अंदर में हमने अभी दूध डाल देना है, दूध यानी कि मिल्क। ठीक है, बस 2 ही कप अभी इसमें डालेंगे। और अच्छे से इसे अब हमने फेंट लेना है। इसे फेंटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना अच्छे से इसे आप फेंटेंगे उतने ही ये जल्दी से आपके तवे को छोड़ेंगे और ये ज़्यादा फिर ब्राउन नहीं होंगे। ठीक है, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। अच्छे से इसे मैंने फेंट लिया है। फेंटने के बाद में आधा कप दूध इसमें मैं और ज़्यादा डाल रहा हूँ। अगर ये आपको पतला थोड़ा, अगर पतला तो खैर नहीं लगेगा, अगर ये आपको थोड़ा सा गाढ़ा लगेगा, मतलब अगर आपके मोटे मोटे रोल्स अगर बनेंगे, शीट्स अगर बनेंगी, तब आप इसमें और थोड़ा सा दूध डाल सकते हैं। अब ये देखिए, नेल्स का टेस्ट इससे किया जाता है। नेल्स अगर बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट नज़र में आ रहा है लेकिन बैटर लगा हुआ है, तब ये बिल्कुल ही सही। अब ये जो आधा कप दूध है अब मैं इसमें नहीं डालने वाला। ठीक है, टोटल 2.5 कप मिल्क इसके अंदर में डल चुका है। अब अपने तवे को लेते हैं। नॉन स्टिक तवा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हमने एक तवे को लेना है, इसे लो फ्लेम के ऊपर में रखना है। लगभग 30-40 सेकंड के लिए लो फ्लेम पे इसे रख ले। उसके बाद में अपने बैटर को इसके ऊपर में डाल देंगे। लैडल के साथ में मैं इसमें बैटर डाल रहा हूँ, लैडल यानी कि कलछुल। ठीक है, कलछुल के साथ में अच्छे से आपने बैटर को फैला देंगे तवे के ऊपर में, और जितना भी एक्स्ट्रा बैटर होगा उसे वापस अपने पतीले में या जिस भी चीज़ में आपने मिक्स आपने किया, ये मिक्सिंग बाउल है, ठीक है, उसमें हमने इसे अपने वापस डाल देना है बैटर को। अब ये देखिए, अब अच्छे से अब ये पकेगा। अब अपनी हाई फ्लेम आपने कर लेनी है। हाई फ्लेम करके इसे इधर उधर इधर उधर आपने तवे को हिलाते रहें। एक ही जगह पे हीट को मत लगने दें, हर एक जगह पर हीट को लगने दें, साइड्स में भी, सेंटर में भी, हर एक जगह पर। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका ये जलेगा नहीं, ब्राउन भी नहीं होगा, उसका कलर वाइट ही रह जाएगा और वो पक भी जाएगा, फटाफट से हो जाएगा। अब देखते हैं इसे हटा के, ये पहला पीस है ना, तो हटाने में आपको दिक्कत आएगी। सेकंड पीस जब बनाओगे तो हटाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यूँ तो इसमें भी मुझे खास कोई दिक्कत आई नहीं है, बस धीरे धीरे कर रहा हूँ क्योंकि मोबाइल मत गिर जाए। ये देखिए आराम से निकल गया। अब ये वाली शीट को हमने रख लेना है। अब इसे हमने स्टोर कैसे करना है, शीट के ऊपर में आपने सूखा मैदा डाल देना है। ठीक है, अच्छे से हमने डाल दिया सूखा मैदा। अब एक और शीट इसके ऊपर में ऐसे ही रख देनी है। रख देते हैं फटाफट से, रख दीजिए। फिर से सूखा मैदा इसके ऊपर में अब डालेंगे, डाल के अच्छे से इसे फैला देंगे। ठीक है, सूखा मैदे में कोई भी कमी नहीं रखनी है, थोड़ा ज़्यादा भी डाल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आराम से हो गया जी यहाँ तक तो। अब इसे हमने एक बार गिन लेना है कितने पीसेस मैंने बनाए हैं। हाँ, ये एक थोड़ा सा टूट गया था निकालते समय, अब मैं क्या करूँ, टूटा हुआ फेंकूँगा थोड़ी ना, वीडियो है, दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आपके भी टूटेंगे ही, एक आध पीस, 3 पीस, 4 पीस, 5, 6, इतने बैटर में 6 पीसेस आराम से बन जाते हैं, बहुत बड़े साइज़ के बनेंगे। अगर आप थोड़ा सा छोटा तवा लेते हो ना तो आपके थोड़े से ज़्यादा बन जाएंगे, हो सकता है कि 8 बन जाए। ठीक है, अब हमने एक प्लेट के अंदर में इसे डाल लेना है। प्लेट में इसे डाल लिया जी। वैसे तो इसे जिप लॉक बैग में भी रखा जा सकता है, ठीक है, लेकिन मैंने अभी इसे प्लेट में डाला है। ये देखो, अब इसे अच्छे से मैंने ठंडा कर लिया है। 1 घंटे के लिए ये ऐसे ही पड़े हुए थे, कपड़े से ढक के, ऑब्वियस, बिना ढके तो कोई भी चीज़ नहीं रखनी चाहिए ना।
ये देखो अब ये लास्ट वाला था, ये जिसमें ऐसे जाली जाली बन गई है, लास्ट में बैटर थोड़ा कम बचा था ना। ठीक है जी, टोटल हमारे 6 बन गए हैं आराम से, अब ठीक है, अब आपस में चिपक भी नहीं रहे हैं। अब इसे हमने रैप कर देना है, ये क्लीन फिल्म वाला रैप है। यूं तो आप इसे जिपलॉक वाले बैग में भी रख सकते हो, लेकिन क्लीन फिल्म वाले रैप के साथ में इसे रैप करके भी रख सकते हो। ठीक है, तो ये वाला जो रैप है आपको मार्केट में मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो लिंक मैं डाल दूंगा, लेना चाहो तो ले सकते हो। ये काफ़ी चीज़ों में काम आता है, आप इससे केक वगैरह भी काफ़ी कुछ बना सकते हो, मतलब इससे नहीं बना सकते हो, केक को ढक के इससे रख सकते हो। अच्छे से हमने इसे रैप कर देना है। रैप करने से क्या होगा कि एयर इसके अंदर में नहीं जाएगी और ये पुराना नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ को आप उसकी एज अगर रोक दोगे तो उसका तरीका यही है कि उसके अंदर में एयर नहीं जानी चाहिए, फिर उसका ना एज रुक जाती है। ठीक है, फिर आप इसे आराम से 20-25 दिन यूज़ कर सकते हो। फ्रिज में इसे रखना होता है, फ्रिज के बाहर में ज़्यादा दिन तक नहीं आप रख पाओगे। दैट्स इट, अब चलिए नेक्स्ट मैं आपको स्प्रिंग रोल की रेसिपी दूंगा।